रूरल एरियाज में ऐसे मैसेज स्प्रेड किया जा सकता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं मेल फीमेल यहाँ इसकी तख़सीस ना हो, वो उनको हम बताएं ये मैसेज और वो वहाँ जाकर अपने इलाकों में लोगों को अपनी फैमिलीज को इन्फॉर्म करें। इस ऐप में मेन के लिए भी ना एक फीचर अलग होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है, बट आई वाज जस्ट सेइंग दैट ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ है, वी शुड बी हैविंग सम फॉलो अप सेशंस ऑफ दिस ऐप इन मोर डिटेल्स एंड लुकिंग इनटू द वेरियस डायमेंशंस एंड फीचर्स ऑफ दिस ऐप। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा अवान। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं आज मौजूद हूँ, जहाँ पे यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीमेंस सेफ्टी ऐप के बारे में एक ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया गया है कि कैसे जो है वो आप सिंगल क्लिक के ज़रिए आपकी लोकेशन पंजाब पुलिस की, चाहे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में जो है आप फौरी तौर पर जो है पंजाब पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग सेशन के एंड पे हम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि कैसे मौसर है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की ये ऐप लोगों को ज़्यादा सिक्योर बनाने में, ख़ासतौर पर ख़वातीन को एक सिक्योर, एक प्रोटेक्टेड और एक एम्पावर्ड किस्म का जो एक इन्वायरमेंट है वो फ्राहम करने में कितनी मौसर है। तो आइए मेरे साथ। Whenever you feel any sort of danger, just take out of your mobile, open this app, click on Alert 15 button and first respond to the video for your help. So just to give you an example of a place which can be perfectly safe for women, we have some things to share from Punjab State Authority where we are currently working. So you see, we have around 20% of total police communication officers who are also known as call taking agents when you call 15. अगर एक टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी शुरुआत तो करना पड़ती है। हम ये इसलिए हम कुछ ना करना मतलब हम स्टार्ट ही ना रहें कि ये किसी के पास फोन नहीं होगा, नेट नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, तो ये अगर हम पीछे रह गए तो फिर हमारे लिए भी कैचअप करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये सेशन अटेंड किया है, कितना ये एजुकेट हुए हैं उसके बारे में, ऐप के बारे में, और क्या सजेशन देंगे इसमें मज़ीद बेहतरी ला सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस कौन से डिपार्टमेंट से हो? सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा अवैस, आपने पूरा सेशन अटेंड किया, आपको फीचर्स का बताया गया, क्या समझते हो कि पंजाब पुलिस के इसलिए जो उन्होंने इकदाम लिए हैं वुमेन को ज़्यादा प्रोटेक्ट और एम्पावर करने के लिए, इसके बारे में क्या कहोगे? जी मैं बहुत खुश हूँ आज का सेशन अटेंड करके, और मैं समझता हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और यकीनन ये वुमेन को काफ़ी हद तक यानी कि उनको प्रोटेक्शन देगा, और मैं समझता हूँ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और हम जदीद दुनिया के साथ साथ उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं, और यकीनन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अपनी घर में जो औरतें हैं, आपकी बहनें होंगी, आपकी मदर हैं, कज़न्स हैं आपकी गर्ल्स, उन्हें सजेस्ट करोगे कि वो ये ऐप यूज़ करें? जी जी यकीनन मेरे ख्याल से ये ऐप यूज़ करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस उठेंगे कि देहात में लोगों के पास इसकी इस इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, उनके कंसर्न है, और लेकिन उनके पास 15 के ऑप्शन भी मौजूद है, और जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, और यकीनन आपने देखा होगा जो हरासमेंट के ज़्यादातर केसेस हमारे सामने आते हैं वो शहरों में आते हैं, और शहरों में मैं समझता हूँ कि हर बंदे के पास इस वक्त एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, और वो ये इस ऐप के ज़रिए अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसमें एक और मैं चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ, जो मैं हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, यकीनन इसमें इजाफा होना चाहिए कि हरासमेंट सिर्फ वुमेंस को नहीं होती, मेंस को भी बात होती है। तो इस ऐप में मेन के लिए भी ना यानी कि एक फीचर अलग, जी जी एक फीचर अलग होना चाहिए। साकिब, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर सब डिवीजन पत्तोकी। पत्तोकी से कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, अच्छा, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो और अभी एम्बेसडर भी हो आप पंजाब वीमेन सेफ्टी ऐप के, किस तरह ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाओगे कि अब जो है पंजाब पुलिस ने ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, अपने इलाके में जाके लोगों को किस तरह एजुकेट करोगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का और पंजाब पुलिस
स्पेस का और गवर्नमेंट का कि इन्होंने मतलब कॉपरेशन के साथ इस पब्लिक इशू को एड्रेस किया और इसके ऊपर एक मतलब प्लेटफॉर्म ऑफर किया है कि जिसके ऊपर जो वुमेन ये जो भी हरासमेंट सोसाइटी के अंदर केसेस हैं वो रिपोर्ट कर सकें अपने इजीली। और मैं एज अ एम्बेसडर अपनी मतलब सोसाइटी जो कि अर्बन और रूरल एरियाज हैं उनके अंदर जाके मैं अवेयरनेस दूंगा, लोगों को बताऊंगा कि आप इजीली जो है ना इसके ऊपर आपको कोई भी इशू आता है किसी भी किस्म का तो आप अपनी केस को रिपोर्ट करवा सकते हैं और अपने इशू को रिजोल्व करवा सकते हैं। जी नाजीन, अब हमारे साथ डीन मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुल्तान शाह, ये उनसे जानते हैं कि वो इस वुमेन सेफ्टी ऐप के मुतल्लिक है क्या राय है उनकी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, आपने सेशन अटेंड किया, सेमिनार किया, आपने फीचर्स देखे पंजाब वुमेन सेफ्टी ऐप के, कैसा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि इससे ख़वातीन को बहुत मदद मिलेगी कि कहीं अगर ऐसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल होती है तो वो पुलिस को कॉल कर सकती हैं। और हमारी स्टूडेंट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाकी लोगों को एजुकेट करेंगी। जैसी यूनिवर्सिटी ऐसा इदारा है, यहाँ पाकिस्तान भर से बच्चे बच्चियाँ हैं और यहाँ फीमेल दूसरे सूबों से भी हैं, तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट का अच्छा काम है और इससे ख़वातीन को ख़वातीन अपने आप को महफूज समझेंगी और कहीं अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो वो इन्फॉर्म कर सकेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो आप एम्बेसडर भी हैं इस वुमेन सेफ्टी ऐप के, किस तरह एज एन एम्बेसडर आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे रूरल एरियाज़ में? अर्बन में तो चले हो जाती है लेकिन रूरल एरियाज़ में कैसे आप अपना मैसेज स्प्रेड करेंगे? रूरल एरियाज़ में ऐसे मैसेज स्प्रेड किया जा सकता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं मेल फीमेल यहाँ इसकी तख़सीस ना हो, वो उनको हम बताएं ये मैसेज और वो वहाँ जाकर अपने इलाकों में लोगों को अपनी फैमिलीज को इन्फॉर्म करें तो इससे इसकी तशहीर हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक काम करने की ज़रूरत है कि एक इसकी एड आनी चाहिए। ओके, इसकी एड मुख्तलिफ चैनल्स पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर आए तो उससे ज़्यादा फीमेल जो हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन हम डिसमिनेट कर सकते हैं। जी नाजीन, अब हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी की जो हेड हैं वो डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की ये जो ऐप है उन्होंने वुमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है उसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा मैम, आपने पूरा सेशन अटेंड किया, आपने देखा है मुख्तलिफ फीचर्स को भी जाना, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको क्या लगता है और कितना ज़रूरी था ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया? अच्छा इसमें मैं एक बात पहले ये कहना चाहूँगी कि दिस ऐप हैज़ अ लॉट मोर देन व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंटेड। ओके, इसमें बहुत से ऐसे रेफरल्स हैं लाइक इनहेरिटेंस लॉ से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है और अदर टाइप ऑफ अब्यूज से रिलेटेड है। मेनली वी डिस्कस अबाउट द हरासमेंट और स्टूडेंट गॉट दिस इंप्रेशन दैट इट इज़ मेनली अबाउट द हरासमेंट। आई थिंक वॉट they already have should be disseminated in a much you know in a way that it includes everything which it has. It's a very rich app. Okay. in the form of content. अब क्या और होना चाहिए उस पर तो मेरे ख्याल में जब हम इसका एक होलिस्टिक वो वर्जन देखेंगे then we'll be in a better position to talk about it. Secondly, मेरे ख्याल में this is a wonderful step. We all need to take step one to move forward. It's a wonderful, wonderful step to move forward because the first step is about taking some initiative and then to disseminate it in the form of awareness so people know about it, then people start using it, then we'll see the results in the form of implementation. तो मेरे ख्याल में ये पंजाब गवर्नमेंट का भी और ये हमारी सेफ अथॉरिटीज़ की तरफ भी एक बहुत अच्छा कदम है और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। बट आई वाज जस्ट सेइंग दैट ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ है, वी शुड बी हैविंग सम फॉलोअप सेशंस ऑफ दिस ऐप इन मोर डिटेल्स एंड लुकिंग इनटू द वेरियस डायमेंशंस एंड फीचर्स ऑफ दिस ऐप। और एक बहुत अहम चीज़ इसमें ये हुई कि हमारा जो एक इम्प्रेशन है पुलिस अथॉरिटी की तरफ वो डिस्पेल हुआ, विच इज़ आई पर्सनली फील वेरी वंडरफुल क्योंकि पुलिस से सब लोग ना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। सो द सॉफ्ट इमेज ऑफ द पुलिस, यस दे आर देयर फॉर अस, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस, only then we will have peace of mind and having peace of mind is the first step towards a healthy mind or healthy life. So I think I really appreciate this session and I find myself privileged to arrange
all this because अच्छा organizer भी है या I organize this event so मुझे बहुत खुशी हो रही है in the end ये देख के कि हमें हमने एक अच्छा काम किया है अच्छा काम किया so thank you so much all of you thank you so much and the entire team you people are doing wonderful job thank you so much thank you thank you हमारे साथ मौजूद थी head of the department of sociology madam Aisha और उनका कहना था कि ये बहुत ही अच्छा step है towards the security and safety और ये सिर्फ harassment के मुतालिक नहीं है इसमें बहुत से और भी फीचर हैं अगर आप डाउनलोड करेंगे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ऐप को तो ये बहुत ही अच्छा जो है एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है ऐप है वो हमारे साथ जो है एक और टीचर मौजूद हैं मुझे टीचर लग रही हैं ये स्टूडेंट है अच्छा टीचर हैं आइए इनसे बात करें अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मैं ज़ाहरा रसूल मिर्ज़ा हूँ और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से GCU अच्छा अच्छा आपने पूरा ट्रेनिंग सेशन और मेरे ख्याल में आप स्टेज के ऊपर थी ऑर्गेनाइज भी किया तो क्या समझती हैं आपके आपने फीचर्स देखे हैं सिर्फ हरासमेंट के मुतालिक ये ऐप नहीं है इसमें बहुत और फीचर हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है तो कितनी ज़रूरी थी ये वुमेन को मोर एम्पावर और मोर सिक्योर करने के लिए आई गेस ये एक बहुत पावरफुल टूल है अगर इसे सही तौर पे यूटिलाइज़ किया जाए अगेन हमारा जो फोकस पॉइंट है इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स रादर क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अगेन एक एजेंट ऑफ चेंज है वो अपने घरों में पैगाम पहुँचाएंगे घरों से आगे जो है मजीद मोहल्लों तक पहुँचेगी हम कम्युनिटी लेवल पे जो है सर्व करने के काबिल हो जाएंगे मे बी इसके थ्रू अगर हम मजीद यूनिवर्सिटीज में इस पैगाम को पहुँचाएँ तो हम पूरे तरह से जो है सूबे को इक्विप कर सकेंगे कि नो इट्स नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और फॉर दोज लिटरेट पर्सन और फॉर दोज जिनके पास रिसोर्सेज हैं रादर इट्स फॉर ऑल द पीपल नो मैटर वॉट आप किसी भी सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं आप किसी भी एथनीसिटी से बिलोंग करती हैं डैट्स नॉट मैटर जस्ट योर बींग अ फीमेल योर सेल्फ इट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पुलिस और फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थैंक यू सो मच मैम और आप मुझे बताएं कि ये एज एन एम्बेसडर आप कैसे जो लोगों को एजुकेट करेंगे कि ये जो ऐप बनाई गई है ये औरतों के तहफ़ के लिए अच्छा इसके भी बहुत सारे जो है आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल वुड बी सोशल मीडिया अगेन थ्रू द एजुकेशन थ्रू कंडक्टिंग डिफरेंट वर्कशॉप ये वर्कशॉप यहाँ से यहाँ तक नहीं जानी चाहिए बल्कि इसे मज़ीद जो है हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तौर पर लेकर चलें हम स्टूडेंट को जो बार बार ये याद दिलाते रहें कि ये ऐप जो है सिर्फ हमारी प्रेस काउंट के लिए नहीं थी ये ऐप हमारी सिर्फ वर्कशॉप की हद तक नहीं थी ये आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है आपने दूसरे लोगों को जो आप इर्द गिर्द देखते हो क्योंकि हम देखते हैं ना कि हरासमेंट इश्यूज जो है वो तो एक घरों से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर तक जाता है वर्क प्लेसेस में भी है तो अपने घरों तक तो एटलीस्ट आप स्टार्ट करो एजेंट ऑफ चेंज बने ताकि हम मज़ीद जो है इसे आगे लेके चलें और इसकी इफेक्टिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकें अस्सलाम वालेकुम आपका नाम आई एम डॉक्टर अंदलीब अनवर सरदार असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी अच्छा मैम आपने सेशन अटेंड किया वीमेन सेफ्टी ऐप का क्या कहेंगी आपके अपने स्टूडेंट्स को किस तरह अवेयर करेंगी कि अब जो है पाकिस्तान में एक जो पंजाब पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि वुमेन ज़्यादा सेफ है ज़्यादा सिक्योर है ज़्यादा एम्पावर है Women are safe now then almost 40% women population is working on different places we are working here in university if we are safe we are working here ji and if the students are studying and definitely if they are safe they are studying here ji bilkul to I'm more confident to say women are safe and they can work on different places they can contact to university admin like dean vice chancellor if they feel any sort of harassment here okay so punjab police ka jo ek initiative tha ki women ko ek hi click par single click pe aapki location ka bhi pata chal jayega aur fori it's definitely a very good initiative and a very good app if one can use that is a very good for that जी नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं हर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है अपनी विमेन सेफ्टी ऐप को अवेयरनेस के लिए एजुकेशन के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को अवेयर कर रहे हैं एजुकेट कर रहे हैं तो हम जो है वो अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं कि आप भी अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं अगर नहीं तो इसको जलाते जाएँ इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए सेफ़ रहें सेफ सिटी के साथ अल्लाह हाफिज़